हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेस्ट ऑफ ड्रीम। आज हम बनाने जा रहे हैं रोजी पोटैटो चिप्स, जो देखने में जितने सुंदर दिखेंगे खाने में उतने ही टेस्टी रहेंगे। इन्हें बनाने के लिए सारा दिन धूप में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी और बस 10 मिनट में रोजी चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। रोजी रोल चिप्स बनाने के लिए आप आलू को पील ऑफ कर लेंगे, फिर इसे पानी में डालकर डस्टलेस कर लेंगे। अब चिप्स स्लाइसर की हेल्प से इसके स्लाइसेस यानी चिप्स निकाल लेंगे। इधर हमने टोटल 3 लार्ज साइज के आलू लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आलू स्लाइसेस के बाद 3 बार अलग अलग पानी में डालकर इन्हें धोना है ताकि इनका स्टार्च रिमूव हो जाए, क्योंकि जितना इनका स्टार्च रिमूव होगा उतने ही चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। अब हमें आलू स्लाइसेस रखकर इसे दोनों ओर से टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। टिश्यू यूज करने से इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इन पर कॉर्नफ्लोर सीव करना है, जो चिप्स को क्रंची बनाएगा और फ्राई करते वक्त चिप्स आपस में इकट्ठे भी नहीं होंगे। फिर एक और स्लाइस रखकर इन्हें रोल करके टूथपिक से सिक्योर कर लेंगे। दूसरा रोल बनाने के लिए स्लाइस को थोड़ा नीचे रखकर भी रोल बना सकते हैं। सभी रोल्स बन जाने पर मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। और इक्वल फ्राई करने के लिए इन्हें बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे। जैसे जैसे फ्राई होते रहेंगे वैसे वैसे ऑयल बबल्स भी कम होते रहेंगे और कंप्लीट फ्राई होने पर इन्हें ऑयल ड्रेन करके निकाल लेंगे। अब इनके ठंडे होने पर वुडन स्क्यूअर यानी टूथपिक अलग कर लेंगे और क्रंची रोजी रोल्स चिप्स बनकर तैयार हैं, जो देखने में बिल्कुल रोज की तरह और खाने में उतने ही क्रंची हैं। आप इन्हें सिर्फ सॉल्ट स्प्रिंकल करके भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर इधर हमने ब्लैक सॉल्ट के साथ थोड़ा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। ऑरेगानो स्प्रिंकल करने से इसमें एक प्लीजेंट अरोमा निकलेगी। बाकी आप अपने मनपसंद सीजनिंग भी डाल सकते हैं और केचप या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।